सोलन में भाजपा ने चुनावों के मद्देनजर अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर हवन करके अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार, भाजपा नेता राजेश कश्यप, प्रदेश प्रवक्ता रितु सेठी विशेष रूप से मौजूद रही। सोलन में भाजपा ने चुनावों के मद्देनजर रखते हुए चुनाव कार्यालय खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर हवन करके कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार, भाजपा नेता राजेश कश्यप, प्रदेश प्रवक्ता रितु सेठी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। भाजपा के इस कार्यालय से ही चुनावी रणनीति बनाई जाएगी और भाजपा प्रत्याशी को सोलन मंडल से लीड दिलवाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार और प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि उनके द्वारा आज मंडल का कार्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा को विजय दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार की उपलब्धियां, नीतियां और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रत्याशी सुरेश कश्यप देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा जाएगा ताकि क्षेत्र की समस्याओं को हल किया जा सके। और आज हमारा सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंडल का कार्यालय जो चुनाव के लिए है उसका शुभारम्भ यहाँ पे किया है। और जो 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो मंडल में युद्ध स्तर के ऊपर पूर्ण हो चुकी है। हमारा हर मतदान के ऊपर बैठा हुआ कार्यकर्ता आज पूरी सक्रियता के साथ घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी की, जयराम ठाकुर जी की नीतियों से अवगत करा रहा है और हर हाल में पूरे चुनाव क्षेत्र से बहुत बढ़त बना के हम यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट जीतने वाले हैं उसमें बड़ा भारी योगदान सोलन चुनाव क्षेत्र का रहेगा। हमारा हर कार्यकर्ता तैयार है कि हम कैसे अच्छी से अच्छी लीड जो है अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपने प्रत्याशी को दिलाएं। एक फौजी हमें, एक समाजसेवी हमें प्रत्याशी के रूप में मिला है, उसको हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज कर के यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए उनको वहाँ भेज रहे हैं। महिला मोर्चा ने भी अपनी रणनीति तैयार कर रखी हुई है कि कैसे महिला मोर्चा टोलियाँ बनाकर, जैसे हमेशा से वो टोली में हर घर में जाकर दस्तक देता है महिला मोर्चा, उसी तरह से इस बार भी महिला मोर्चा सक्रिय रूप से घर घर जाकर मोदी जी की नीतियों का और जयराम सरकार की नीतियों का अवगत उनको जनता को कराएगी। जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, तो महिलाएं इसमें जोर शोर से काम कर रही हैं कि हमने इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो लीड है वो अपने प्रत्याशी जी को दिलानी।